नमस्ते, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। सो अनि आजको ब्लगमा चाहिँ हामी खाद लिन आएका छौँ, अनि खाद त्यो स्याउमा हाल्छ नि, मल हो त्यही लिन अब यहाँ पुगेका छौँ। गाडी यता साइडमा लाछौँ अनि खादहरू पनि हेरौँ है त। खादहरू पनि देखाइदिन्छु। गाइस, यहाँ हामीहरूले सामान पनि लोडिङ सोडिङ गरिसक्यो अनि अब घर जाने, फेरि अर्को टिपमा आउनेछ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको अब जुन नेपालमा जान्छन् त्यो निस्याउहरू यहीँबाट जान्छन्। त्यहाँ अघि मैले देखाएको थिएँ त्यो फ्याक्ट्री, त्यहाँभित्र कोल्ड स्टोर गर्छन्। कोल्ड स्टोर भनेको तपाईँको अब लगभग कति 6 महिना अगाडि टिपेका स्याउ अहिले पनि त्यो ताजा हुन्छन्, हरिया हुन्छन्। हो तिनीहरूलाई पठाउने हो नेपालमा, कोल्ड स्टोर गर्छन् आजकल। अब जतिखेर रेड हुन्न त्यतिखेर कोल्ड स्टोरमा हालिदिन्छन्। अनि त्यसपछि अनि अब आजकल गर्मी महिनातिर पठाउँछन्। मैं YouTube में डालता हूँ ना वीडियो करके थोड़ा थोड़ा सा। कहाँ पैसे करना, मैंने अभी शुरू किया है चैनल। रख टाइम मैं हमारा भैया साहब है, भैया साहब यस्तो यस्तो सामान छ अनि के हो यो मसला। अच्छा, पानी फिल्टरिङ। यहाँ पानी फिल्टर हुने काम भइरहेछ त। अनि अरू देखाउँछु म भित्र गएन पनि, चिसो कता हो। यही गाडीमा आ मेरो अहिले। अब पच गरिन पनि लाग्नुहुन्छ प्राली यो भएको। अच्छा, कार पार्किङ, सार पार्किङ, गाडी लिएर हामी अहिले यहाँ प्याकिङ स्टोरमा आएका छौँ। प्याकिङ स्टोर, स्याउ प्याकिङ। अरे यहाँ पे खाद खुद क्रेट। अच्छा, यहाँ पे आते होंगे ना। अच्छा, यहाँ से फिर फाइनल यहाँ पे। हाँ, फिर इनमें आएगा ऊपर, यहाँ से खड़े हो जाते हैं ना इसमें। अच्छा, ऊपर 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 आएगा, फिर इसके जो ये अंगुलियाँ जैसी है। हाँ, ये वाली। हाँ ठीक है, ये आराम से उतार के इसमें, ये नहीं बड़ा बड़ा टोकरी। हाँ, इसमें डालते हैं ना। जो पतली साइड है यहाँ पे जमा होगा सारा अंदर। जैसे अब जो गर्मी में सेब निकलेगा ना। हाँ, अब यहाँ से निकलता है गर्मी में। अच्छा, वो कोल्ड स्टोर में। जो भी है, जैसा भी है, सारा है रखा खोल के।
चाबी पानी इधर मशीनरी मशीनरी वो भी सारा फिर से बन रहा है, फिट हो रहा है। ये मशीन में तो हाइड्रा बोलते हैं इसको, इससे तो सेव के क्रेटे लेता है ना। फोकलिफ्ट हाइड्रा कुछ भी बोलते हैं इसको, फोकलिफ्ट तो वो है हाइड्रा है, ये छोटा जिसमें ना नीचे नहीं डालते खार सुबह हाँ उसको बोलते फोकलिफ्ट, ये हाइड्रा हो गया। अच्छा, इस तरह का पैकिंग होता है तो फिर सब। कैसा नहीं ना, इस तरह का पैकिंग होता है ना सेब, फिर यहाँ भी आ ही गया, पहली बार आया है। आ ही गया हाँ पहले पहली बार। इसमें पूरा क्रेट एक बार अंदर और पन्नी साइड से क्रेट हो, यहाँ पानी होता है ना, तो फिर हाँ पूरा पानी होता है पानी इसमें, होके यहाँ से जाएगा। यहाँ से जाएगा सेब स्टोर घूमते 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 आ गया आगे पानी। अच्छा, यहाँ पे तो वेस्ट एप्पल आता है वो दागी दुगी वाला, फिर हाँ यहाँ पे जो वो लेक नहीं लेक तो रखा है ना, बैठा यहाँ पे वेस्ट एप्पल का। बैठा होगा ना इस जगह पे, अच्छा, यहाँ से फेंकेगा बंदा। हाँ इस जगह पे आदमी होगा उस साइड भी इस साइड भी, हाँ जो भी ये है बना हुआ हाँ इसमें तो आदमी जो गंदा सेब आएगा सड़ा गला उसको उठा के फेंकेगा इसमें, वो फिर खुद डिस्ट्रॉय हो रहा है। बाकी जो साफ सेब है वो सारा आगे जाके फिर आगे से घूम के फिर वो जो मशीनें हैं उसमें अपने आप ही वाम होगा। ग्रेड हो जाएगा। अच्छा, ग्रेड हो ना। अपने आप ही ग्रेड होके जो ये है इसे अपने आप ही बाहर आएगा वो, अच्छा, तो फिर क्रेट में ही डालना है हाँ सारे। बड़ी वाली क्रेट हाँ में बड़े डालना, अपने वाला। आप ही सेब बाहर आएगा, ऐसा नहीं है कि छाटना पड़ेगा, वो कंप्यूटराइज मशीन है ना लगा हुआ, वो अच्छा, अपने यहाँ पे। आप हाँ ही तोल देगा, अपने आप ही कर देगा और अपने आप ही उसको निकाल लेगा। निकाल देगा परे, वो जो वो है ना लगा हुआ एक हाँ दो तीन चार उसमें आएगा अपने आप ही। इसमें आदमी का काम सिर्फ यहाँ डालने का है, अच्छा, यहाँ और यहाँ पे बैठना है। यहाँ यहाँ पे बैठना है, यहाँ बैठने का अच्छा काम तो आदमी का ये है ना कि बस जो सड़ा गला सेब आएगा, बाकी हाँ, यहाँ से घूम के उधर 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 हो के यहाँ, अब तो और बड़ा बन रहा है स्टॉक ज्यादा आता होगा ना, कैसा। स्टॉक स्टॉक माल। ये है चीज, इसके अंदर भी मशीन है शायद। मशीन का पार्ट आया हुआ है कुछ, हाँ क्या है। अच्छा, कितना मोटा मोटा चेन है। लगा है। वाटर टैंक। लाइव कर रहा है नहीं है, छूट जाएगा फोन यहाँ से, लाइव कर रहा है नहीं, ऐसे वीडियो बना रहा है। ये तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा ना, यूट्यूब पे। नारकंडा बर्फ, यूट्यूब में नारकंडा का बर्फ, वाह वाह क्या सीनरी है यार, क्या मस्त है ना, बोलेंगे यार कहाँ का है नारकंडा का।
अर्को ब्लगमा भेटौँला है त। टाटा बाई बाई।